आइए। बोलो। हेलो, क्या हाल है आपके? बढ़िया, आप कैसी हैं सना? बहुत आला, क्या चल रहा है? बस अच्छा ही। और आप कैसा यहाँ पर आए हो? कुछ न्यू प्रोजेक्ट क्या भी देना चाहे? कुछ तो चल रहा है और मैं बहुत ज़्यादा मुंतजर हूँ कि आप लोगों को अच्छी न्यूज़ दूँ। बट समथिंग रियली अमेजिंग कमिंग अप, तो आप लोग भी प्लीज़ दुआ में याद रखें कि जो प्रोजेक्ट पर हम काम करें वो बहुत आला जाए। चलो इस साइड आ जाए फिर हम लोग। हाँ श्योर। पूछना है तो नज़दीक में ऑडियो आएगा। सना, रिसेंटली अभी रतन टाटा सर इस दुनिया को अलविदा कर चुके हैं और जहां हमने देखा पूरी दुनिया के मूवी स्टेटस से हर किसी ने शोक जताया, आप कितना उनके, जो कि हर किसी को एक इमोशनली और लाइफ में कुछ करने का एक प्रेरणा देके गए हैं, तो आप कुछ बताना चाहें रतन टाटा सर के? यू नो आई थिंक ही इज़ अ मैन ऑफ ग्रेट ऑनर और इससे एक सीख मिली है, पता है क्या? चाहे आप कोई भी धर्म के हो, कोई भी मज़हब के हो, चाहे आप कैथलिक हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, डजेंट मैटर, उनका जब इंतकाल हुआ तो उनकी फौत पे हर किसी को बुरा लगा। एवरीवन फेल्ट लाइक क्राइंग। नॉट दैट इज़ द पावर ऑफ बीइंग अ गुड ह्यूमन, कि अगर आप अच्छे इंसान हो तो कोई भी जात के लोग होंगे वो आपसे बहुत ही ज़्यादा मुतासर होंगे, इंस्पायर होंगे। एंड आई थिंक रतन टाटा सर वही करते थे, हम सबको बहुत ज़्यादा बुरा लगा है। एंड कहते हैं ना कि कुछ लोग जो है वो सिर्फ पैसे से अमीर होते हैं और कुछ लोग होते हैं जो दिल से अमीर होते हैं, और जितना मैंने रिसर्च की है रतन टाटा सर के ऊपर, आई थिंक उन्होंने मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डोनेशन दिया है एज एन इंडियन, सो दैट्स वर्थी ऑफ इट एंड मे हिज सोल रेस्ट इन पीस। बस यही बोलना है। थैंक यू। एक बिना बैग का दे दी। जुम्मा मुबारक। इसीलिए आज मैंने थोड़ा सा सूट डाला है जुम्मा के। वैसे अच्छे दिख रहे हो आप। शुक्रिया, नज़ाकत तो खून में है ना। आप भी बहुत प्यारी लग रही हैं। थैंक यू। बिग बॉस ऐसे फॉलो कर रही हैं आप सना इस बार? कसम से बिल्कुल नहीं, सच में फुर्सत नहीं, मेरा मुसलसल ट्रैवल चालू है। आई वाज इन दुबई, देन आई वेंट टू चंडीगढ़, अगेन आई एम फ्लाइंग टुमारो, सो चल रहा है कुछ काम के हवाले से। हाउ इज इट गोइंग, आप मुझे बताएं। ऑल गुड, थोड़े बहुत चल रहे हैं अच्छे। थैंक यू। थैंक यू मैम। शुक्रिया। ठीक था? वाओ, थैंक यू। यू आर वेलकम। सर आप भी खाएं प्लीज। हाँ मैं ले लूँ। थैंक यू सना। वेलकम डार्लिंग। ये आपका न्यू प्रोजेक्ट भी सामने आ रहा है, तो कुछ बताना चाहे आपके न्यू प्रोजेक्ट के रिलेटेड? देखो मेरे बहुत सारे म्यूजिक वीडियोस आ रहे हैं एज एन एक्टर, बट मेरा एज अ सिंगर सेकंड म्यूजिक वीडियो आ रहा है, उसका नाम ही है आला गर्ल। ये प्रोड्यूसर साहब ने सजेस्ट किया कि आला गर्ल साहब पॉपुलर हो तो क्यों ना इसी के ऊपर गाना बनाया जाए, तो हमने थोड़ा सा रैप स्टाइल में गाना बनाया है, तो आई कांट वेट फॉर द वर्ल्ड टू सी इट। तो आप लोग भी प्लीज़ दुआ करिएगा कि आला गर्ल बहुत अच्छा जाए, और जो मेरा पहला गाना हाथ पर आने वाली वो अभी भी ट्रेंड कर रहा है। राजा के लिए प्रपोज क्यों करूंगी, क्या हो गया है ऐसे? कैसा है मतलब? मैं, मेरी आदत है मिल बांट के खाओ जन्नत में जाओ, तो मैं थोड़ा सा वो फॉलो करती हूँ। लेडी तुम जन्नत हो आला। शुक्रिया। आपकी फ्लर्टिंग स्किल्स बहुत आला दर्जे की होती जा रही है दिन ब दिन छोटू, आई लाइक इट। बाकी नज़ाकत तो खून में है ना। और नेजी बाबा तुम्हारा कैसा है? नेजी बाबा बहुत आला है, उनसे परसों के दिन ही बात हुई थी मेरी। ही इज़ डूइंग गुड और इंशाल्लाह उनकी तरफ से भी कुछ बहुत आतंक आने वाला है बहुत जल्दी, तो आप लोग मुंतजर रहे एंड मेरी तरफ से भी। सस्ते आज फ्राइडे है तो इसीलिए मैंने ये पहना है ना, ऐसे जुम्मा अच्छा। के दिन मैं थोड़ा सा प्रेफर करती हूँ कि मैं ट्रेडिशनल पहनूँ। अच्छा बहुत ईमानदारी से बताएं, मैं इंडियन में ज़्यादा आला लगती हूँ या फिर वेस्टर्न में? आप ऐसे ही आला आला लगते हो और हम देख के काला हो जाते हैं। ये आला दर्जे का लतीफा था। आई लाइक इट। आई लाइक यू। ओह सॉरी, नो 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 नो, आई लाइक नो। How many?
एक आपका सोलो मेरा फोन लिया ना नहीं गाड़ी में ले गया ना आप ले लो नीचे आ जाइए ना लाइट है फेस पे हाँ ठीक है मैं अब जा रही हूँ इट्स वेरी ऑड टू पोज इन पीछे देखो